Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about कॉल हो ना हो मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न एकदम है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि है दोस्तों कल हो ना हो। आपको पता था शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 आउट ऑफ 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज़ पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है, और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे, और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ,
अब हम बात करें इस मूवी के बारे में, अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to the channel. We got a lot of regular air going to track your loves. How well, how well, we get a lot of way. Those two last year, we got lost. No, we get lost. We were resting that pump. We were one of them. 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 That's why you just talk about it. And I was being ready. It seems we said that we had two kids. Let's look well. Oh, now, wow. Come on, what's the right of coming to you? Well, what's the amazing thing that was wrong? They didn't want to stop what we were out, don't want to know that. A lot of little fellows in this place ran one drop seven for an arena store if you didn't think really, really rap. All Rick was a savage, he didn't want to go around this place when I was about to run up some letters in real rap. The swap was real, I was the big fan of this place. I know what your ankles have scarred and got such bad real fun, right? Rick was through the town, that's really rap when I said Rick was. I'll get with the rap. Oh, but what little was great, this more Rick was, it's special for Rimmer. It's more Rick about Rimmer, but the woman was around. I was a little bit of a rest. What man wants to walk on a visit there, like running left here, Let's kill one dress to walk on a visit right, could kiss five risks without what to walk around. While running around, while we're going to go career, and run with his clothes just about that way. Oh, what's your heat? She reached out, walk up for the rest of the river, they can't come later. So kick off his water, come walk without a hair, out to him. Then those two out, this more wrinkles out, that big silk thrill. One read, go out, and run around the water in the rain. For that water was to ripple in the rain, and strike there, and meet the air, and Rick was the one who 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 was the one who
Well, coffee and chill, right? You're around here, right? Well, about here, you go, whoa. The more you pull out, right? Here, I'm Nick, kill it, right? One, you know, right? Rock, right? To the rhythm, some way, whatever, right? Here, out. What is the rest, really? What are you about here? Chill, right? With the one around here. So, what? Well, that's what I want to do. Some way, going over here, right? Power, some way, whatever, right? What are you going here, out? The rock, right? Rock, right? The rock, right? 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 Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about Call for the Whole movie के बारे में. तो दोस्तों आज की वीडियो आप लास्ट जरूर देखिएगा, तो आप जरूर इंटरेस्टिंग और काफी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है. तो पहले अगर बात करें इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है. तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल हो रहा हो. आपको पता है शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों. आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी. तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना. वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं. तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह उसको काफ़ी अच्छा है, और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी. वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी. साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी. मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है. स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है. लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं. पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है. और भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों. एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं. अब बात करें दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है. आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो. साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज़ पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो. स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है. आय हाय आय हाय आय. उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है, और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, अच्छा है. तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो. मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है. वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है. इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे, और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था. प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे. वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान,
प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा, वही दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को तो दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी बनाकर काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel, guys. And today we are going to talk about California Home Movie Kebara. Just to ask you about this film, the killer and rice tuna control was not very important for me. को अमेजोन का 5 आउट ऑफ 9 स्टार के
सिमन पर नया स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश चौहान थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा वही दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बेंडे, नविता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी का करण जौहर स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों। और तो और इस मूवी का दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको देखने को मिलेगा कि नहीं ये मूवी आप चलाते तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आई है, मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। मूवी आपने दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है दोस्तों। अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप तरीके से होते हैं जैसे कि उदासी जीवन से जी रही है।
Channel guys, and today we are going to talk about California Movie Kebara Way. The Dosto Ask Me About Us, the Rudy Dia Doctor, the Resting and Quarter of the Mosadar, the Rudy Hone Mania. That's a little bit of a video is moving along with the movies where Dosto Babi Zara Fresh Nuk 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 और आईफोन है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को अब जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसके काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी आगे रखेंगे। पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में,
सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना मिलता है एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आए 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 आए। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा, तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी है और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आते रहती तो वहां पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आएगा। मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा काफी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीजों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about Call Home and Home movie के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्रशंसकों है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड जो कि है दोस्तों कल होना हो। आपको बता दो शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों और आईफोन है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छा है और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है दोस्तों और काफी
तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 out of 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज़ पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आया है आया है आया है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में, अगर आगे भी और भी चीज़ों का तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about Call for the Home movie के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, मूवी का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उत्पन्न है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल होना हो। आपको पता था शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से
अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 out of 7.9 स्टार की रेटिंग दी गई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और स्टोरी वगैरह भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आए आए उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है, और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है। बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा, तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज़ कमाए थे। और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आते रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी में दोस्तों काफ़ी बनाकर काफ़ी अच्छा है, तो आप जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों के बारे में। वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई एम वन बाय शॉक एंड शॉक एंड शॉक 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 दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड मजेदार मजेदार वीडियो है, होने वाली है। अगर बात करें इस मूवी के बारे में दोस्तों,
है तो आइए तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो में इसी लेके जो कल होना होना शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग दोस्तों और आईफोन है दोस्तों आपको बतला दें यहां पर जो है काफी ज्यादा फायदा होने वाली है साथ ही साथ दोस्तों मूवीज तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा रहेगा तो आप जो है काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं तो मूवी को अब जाकर और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको आएगी वही बात करें मूवी का स्टोरी है आपके चैनल उसके बाद अमन जो है शादी की बताता है और नैना और करीब को करीब लाने की कोशिश करता है बस यही चीज आपको स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा अच्छा तो दोस्तों आप को जाकर देख सकते हैं मूवी को Amazon ने 5 out of 5 दिए हैं वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 हम बात करें दोस्तों रिलेटेड आगे के बारे में
Welcome back to this channel, guys. And today we are going to talk about कॉफ़ी के बारे में. तो दोस्तों आज की वीडियो आप पास जरूर देखिएगा. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है. सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में इसको भी हमारे बारे में वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होगा है. तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड जो कि दोस्तों का होना हो. आपको पता था शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों और आईफोन है दोस्तों. आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी. तो आप जो है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना. वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं. तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों. स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी. वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी. साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है. और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी. मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है. स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है. लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं. तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10.7.9 स्टार की रेटिंग दी गई है. और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में. सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं. अब बात करें दोस्तों इस मूवी का स्टोरी में इस मूवी के बारे में दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है. आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो. साथ ही साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज़ पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो. स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है. आय आय उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है. अच्छा तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो. मूवी को amazon.in ने 5.3.9 स्टार की रेटिंग दी है. वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है. इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था. प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे. वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. अच्छा वही दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा. टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो. मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी. मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है. वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है. तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है मूवी को जाकर आप देखो व्हाट आर यू डूइंग हियर तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. मूवी में दोस्तों काफ़ी अच्छा है तो
बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about Call Ho Na Ho movie के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल हो ना हो। आपको पता था शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों। आपको बतला दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 आउट ऑफ 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और स्टोरी वगैरह भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज़ पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है, और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 आउट ऑफ 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे, और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे, और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है,
वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about Kahona Ho movie ke bare mein. To dosto aaj ki video ko aap last tak zarur dekhiyega, kaafi zyada interesting aur kaafi zyada mazedar video ye hone wali hai. Sabse pehle agar baat kare dosto is video mein is movie ke bare mein, to movie jo hai dosto kaafi zyada prashnal to ekdam hai. To aaiye dosto hum baat karte hain aaj ki video mein isi movie se related, jo ki hai dosto Kahona Ho. Aapko pata hoga Shahrukh Khan ki one of the amazing movie hai dosto, और आईफोन है दोस्तों आपको बतला दें। यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 आउट ऑफ 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल अडवाणी हैं, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे, और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है बहुत अच्छा।
वही दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about California Home movie के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्लस टू है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि है दोस्तों कल होना हो। आपको बता दें शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आय आय आय। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर
7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज़ कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा है, अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता गुगे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आते रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सब चीज़ों के बारे में। Welcome back to the channel, guys. I'm going to talk about Chalkables. Call for an apple. We can buy a दोस्तों आज मेरे पापा साथ में होंगे कि अपना रेस्टिंग और पापा को अपना वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें लेकर बात करें तो इसमें लेकर इस मूवी के बारे में तो मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल होना हो आपको पता होगा शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों। और आई फोन है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है परफॉर्मर के नाम पर आई है एंड साथ साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप जहाँ दोस्तों लगता है आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दे रहा हूँ। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और आता है, काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इससे काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि हम ऐसे पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10.9 स्टार की रेटिंग दी हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आते रहते हैं और बात करें दोस्तों इस मूवी का स्टोरी में, इस मूवी के बारे में मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, आपकी स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदास जीवन से जी रही है, नया खुद पे नया पर पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है
और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है, आया है आया है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है। और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। मूवी को Amazon Rotten ने 5.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज कमाए थे। और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण चौहान और यश चौहान थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली पिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की पैर स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, अपनी स्टोरी वगैरह जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी पर नजर नहीं है उनको जाकर आप देखो वॉट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है और डॉक्टर नेटवर्ट खतरा उठा दिया। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं उसके से रिलेटेड आगे से चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about California Home, we can buy our way. Those two ask you to go past the road here, and also the resting and copies of the most of that video here, one and one here. So, if you want to watch this video, this movie, or any other movie, you can watch it on the channel. है तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड जो कि दोस्तों कल होना हो। आपको बता रहा शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों और आईफोन है दोस्तों आपको बतला दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती है। तो मूवी को अब जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है दोस्तों और काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी को बनाया है, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफी सारी चीजें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों
दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में इस मूवी के बारे में दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हैं दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आया 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 आया। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा है तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों और तो और इस मूवी को दोस्तों एक तो आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहां पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आएगा एंड मूवी में दोस्तों काफी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीजों का तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about California Home, we can buy our So ask you to talk about the movie here, talk to you about the and talk to you about the movie here, when you want to hear. But I like about the first video, we have movie, we have a movie here, so talk to you about the first video, हाँ तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड जो कि है दोस्तों कल हो ना हो। आपको बता दें शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों और आईफोन है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसके काफी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है।
लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में। तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में।
और मूवी जो है दोस्तों, अगर आपको पसंद भी आए, वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपका भी अगर पसंद आएगी अच्छा दोस्तों मूवी की स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about California Home Movie के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो ये होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो की दोस्तों कल हो ना हो, आपको बता दो शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों। आपको बतला दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है,
एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आया 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 उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी का तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about
कॉर्नर होम मूवी के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार वीडियो ये होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल होना हो। आपको बता दें शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती है। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफी अच्छा है, और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है दोस्तों, और काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी आगे रखते हैं। पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार है, और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफी सारी चीजें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छी है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदास जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है, आया है आया है आया है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है, और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वही पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी है, और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे, और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी का तो पहले तो स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक तो आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आते रहती है, तो वहां पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी, और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसके स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आएगा, एंड मूवी जो है दोस्तों काफी धमाकेदार काफी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में, अगर आगे भी और भी चीज़ें, तो
तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है
हाँ काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफी काफी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीजों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। Welcome back to this channel, guys. I'm today we're going to talk about Call for the Home movie के बारे में। तो दोस्तों आज का ये podcast है movie के बारे में, रेस्टिंग और कंट्रोल पर बात करने के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस movie के बारे में तो movie का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल होना होगा कोहता शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों। और आई फोन है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर एक वीडियो है परफॉर्मर के नाम पर आनी है, एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। तो आप जहाँ दोस्तों आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और मानदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इससे काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रजेंट करती है। और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। सो आपको वीडियो लास्ट में देखना, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही है, नया नाम खुद पे नया पर आती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आया आया उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है। और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। अच्छा, तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को अमेजोन प्राइम ने 5.19 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों आईएमडीबी पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल अडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज कमाए थे। और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान,
क्योंकि जिन्ना सैफ अली खान ये सारे एक्टर सबको देखने को मिल गया। अच्छा वही दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के पहले थोड़ा स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो कि ये देखने को मिलेगा टी वी में, ये मूवी आप चाहते तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आप पसंद भी आएंगे, मूवी का स्टोरी वगैरह जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी पर नहीं देखा है उनको जाकर आप देखें व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है और हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे कोई और भी चीज़ों का तो हम बात करते हैं दूसरे से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about California Home movie के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप दोस्त जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा क्रश हो गया है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड, जो कि दोस्तों कल होना हो। आपको पता है शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों, और आईफोन है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है, और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी आते रहते हैं। आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो में हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है, और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आय आय आय। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है, और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को Amazon.in ने
5 आउट ऑफ 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों आईएमडीबी पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज़ कमाए थे। और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता गुगर और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी लाते रहती है, तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about Kahuna Ho movie ke baare mein. So, dosto, aaj ki video ko apna se zaroor dekhiye, aapko zara interesting and kafi zara mazedar video ye hone wali hai. Sabse pehle agar baat kare dosto, is video mein is movie ke baare mein, to movie jo hai dosto kafi zara fresh bandu dam. Hai to aaiye dosto, hum baat karte hain aaj ki video mein isi movie se related, jo ki dosto Kahuna Ho. Aapko bata do Shahrukh Khan ki one of the amazing movie hai dosto. और आईफोन है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। तो आप जो है दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वहीं बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 out of 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों की उदासी जीवन से जी रही
वेदना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आया 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 आया। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादी शुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी है और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको डीले देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आते रहती है तो वहां पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आएगा एंड मूवी जो है दोस्तों काफी अच्छा है। तो आप इस मूवी को डाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीजें कम तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। Welcome back to this channel guys, and today we are going to talk about Call for a Ho movie ke bare mein. To dosto aaj ke video ko aap log zarur dekhiyega, kafi zyada interesting and kafi zyada mazedar video ye hone wali hai. Sabse pehle agar baat kare dosto is video mein, is movie ke bare mein, to movie jo hai dosto kafi zyada personal hai है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो में इसी मूवी से रिलेटेड जो कि दोस्तों कल हो ना हो। आपको पता था शाहरुख खान की वन ऑफ द अमेजिंग मूवी है दोस्तों और आईफोन है दोस्तों। आपको बतला दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बवालदार और काफ़ी सारी चीज़ें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है। स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 out of 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में,
सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का, इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसके कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही लैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आय हाय आय हाय हाय। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसके स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अपन बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीज़ों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about Call Hoina Ho movie ke baare mein. To dosto aaj ke video ko aap last tak zarur dekhiyega, kaafi zyada interesting aur kaafi zyada mazedar video ye hone wali hai. Sabse pehle agar baat kare dosto is video mein, is movie ke baare mein, to movie jo hai dosto kaafi zyada personal hai, to hai to aaiye dosto hum baat karte hain aaj ki video mein isi movie se related, jo ki hai dosto Call Hoina Ho. Aapko pata hai Shahrukh Khan ki one of the amazing movie hai dosto, और आईफोन है दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में, इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफी बेहतरीन ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगी। वही बात करें दोस्तों इस मूवी का, तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है, स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है दोस्तों,
और काफी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 और टॉप 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफी सारी चीजें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों YouTube और Google Play मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को Amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल अडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीस कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, ये सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंडे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की तो पहले तो स्टोरी काफी अच्छी है दोस्तों, और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टीवी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहां पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वही बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड मूवी जो है दोस्तों काफी धमाकेदार और काफी अच्छा है, तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी जाओ। अब हम बात करें इस मूवी के बारे में अगर आगे भी और भी चीजों का, तो हम बात करते हैं दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड आगे सारी चीजों के बारे में। Welcome back to this channel, guys, and today we are going to talk about California Ho, movie ke baare mein. So, dosto, aaj ke video ko aap log zaroor dekhiye, kaafi zyada interesting and kaafi zyada mazedar video ye hone wali hai. Sabse pehle agar baat kare dosto is video mein, is movie ke baare mein, to movie jo hai dosto kaafi zyada trashy hai, ekdam hai. To aaiye dosto hum baat karte hain aaj ke video mein isi movie se related, jo ki hai dosto Kal Ho Na Ho. Aapko pata hai Shahrukh Khan ki one of the amazing movie hai dosto. और आईफोन है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर ये जो वीडियो है काफी धमाकेदार होने वाली है एंड साथ ही साथ दोस्तों मूवी भी काफी ज्यादा धमाकेदार है। तो आप जो है दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। वही बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो मूवी जो है दोस्तों काफी ज्यादा धमाकेदार, बवालदार और काफी सारी चीजें मूवी में आपको देखने के लिए मिलती है। तो मूवी को आप जाकर देखो दोस्तों, स्टोरी वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है और जो मूवी है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से
अपने आप को प्रेजेंट करती है और मूवी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी। वहीं बात करें दोस्तों इस मूवी का तो मूवी जो है दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ दोस्तों मूवी की जो है स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें दोस्तों तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी दोस्तों एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखती है और स्टोरी वगैरह इस मूवी का काफ़ी अच्छा है दोस्तों और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन हम आगे बात करें दोस्तों इस वीडियो में, उससे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों इस वीडियो में इस मूवी के बारे में, तो ये जो मूवी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है और IMDb पर इसे दोस्तों 10 आउट ऑफ 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मूवी के बारे में दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो क्योंकि हम ऐसी वीडियोज हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मूवी का इस स्टोरी में, इस मूवी के बारे में दोस्तों, तो मूवी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और स्टोरी वगैरह भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है। आप इस मूवी को देखना चाहते हो दोस्तों तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज पर आप इस मूवी को रेंट कर सकते हो। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि उदासी जीवन से जी रही नैना खुद में नयापन पाती है जब अमन उसके जीवन में आता है और नैना दोस्तों अमन से प्यार करने लगती है। आय हाय आय हाय। उसके बाद दोस्तों अमन जो है खुद की शादीशुदा बताता है और नैना और रोहित को करीब लाने की कोशिश करता है और बस यही चीज आपको पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, अच्छा है। तो दोस्तों आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। मूवी को amazon.in ने 5 out of 3.9 स्टार की रेटिंग दी है। वहीं पर मूवी को दोस्तों IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसके डायरेक्टर दोस्तों निखिल आडवाणी हैं और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इसने 860 मिलियन रुपीज़ कमाए थे और इस मूवी को दोस्तों 28 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, सॉरी 28 नवंबर 2003 को रिलीज किया गया था। प्रोड्यूसर्स इसके दोस्तों करण जौहर और यश जौहर थे। वहीं इसमें दोस्तों आपको शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान ये सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों करण जौहर, जया बच्चन और जनक शुक्ला, सोनाली बिंदे, ललिता दुबे और भी बहुत सारे एक्टर सबको देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के तो पहले तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों और तो और इस मूवी को दोस्तों एक आप बोल सकते हो टी वी में आपको भी ये देखने को मिलेगा, टीवी में ये मूवी आती रहती है तो वहाँ पर भी आप जाकर मूवी को देख सकते हो। मूवी जो है दोस्तों आपको पसंद भी आएगी और मूवी का स्टोरी वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है। वहीं बात करें दोस्तों तो मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मूवी को जाकर आप देखो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो जाकर आप मूवी को देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मूवी जो है दोस्तों काफ़ी मज़ाकर काफ़ी अच्छा है। तो आप इस मूवी को जाकर देखो दोस्तों, जाओ जल्दी आओ। अब हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, अगर आगे भी और भी चीज़ें तो हम बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड आगे सारी चीज़ों के बारे में।